नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। आज से हम लोग फिर से एक बार छत्तीसगढ़ का जो हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर वाला सीरीज है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। जिस तरह से पहले छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक करंट अफेयर डिस्कस किया जाता था, आज से फिर से उसी सीक्वेंस में उसी तरह से छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक करंट अफेयर डिस्कस किया जाएगा। कुछ इस बार आप लोगों को नई चीज़ें मिलेंगी, किस प्रकार से हम लोग छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर को बढ़ाएंगे, इसके अलावा करंट अफेयर्स में और क्या क्या आप लोगों को मिलने वाला है उन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दो तीन महत्वपूर्ण बातें समझिएगा जो हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि जो भी हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना नहीं होगा कि वो प्रीलिम्स के लिए होगा, मेंस पे भी फोकस किया जाएगा और प्रीलिम्स पे भी फोकस किया जाएगा। तो जिन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे अगर वो टॉपिक्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है तो उस टॉपिक को भी अच्छे से कवर किया जाएगा मेंस के रिगार्डिंग, ताकि आप मेंस में भी वैल्यू एडिशन कर सको अच्छे से करेंट अफेयर का। पहली बात हो गई। दूसरी बात, प्रीलिम्स पे फोकस किया जाएगा जैसे पहले भी किया जाता था। हर वीडियो में आपको जो प्रीवियस वीडियो होता था उसके कुछ क्वेश्चंस करवाए जाते थे वो भी करवाया जाएगा। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आज वाले वीडियो में आपका करंट अफेयर के एमसीक्यूज नहीं रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर आएगा तो इस वीडियो में जितने टॉपिक्स डिस्कस किए रहेंगे उसका एमसीक्यूज आप लोगों को मिलते चलेगा। तो सबसे पहला वीडियो हमारा छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर मेंस और प्रीलिम्स दोनों को फोकस करते हुए यहाँ पर शुरू किया जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, साप्ताहिक करंट अफेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई टॉपिक छूटेगा। जितने भी छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सभी को कवर किया जाएगा, इसका भरोसा मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के बाद नेशनल करंट अफेयर भी साप्ताहिक चलेगा। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे नेशनल करंट अफेयर में, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप मेंस के आंसर राइटिंग में की कर सकते हो, वो सारे नेशनल करंट अफेयर आपको फिर से वीकली अवेलेबल करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर। तीसरा करंट अफेयर का जो हमारे यूट्यूब पे सीरीज चलने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैसे इंपॉर्टेंट होगा ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हर समय कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं, कुछ न कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, कुछ न कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आज की डेट पे अगर हम मान लें तो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पे आए हुए हैं, तो ये पूरा इवेंट किस प्रकार से होने वाला है, कौन कौन सा डील होने वाला है। तो अगर इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होता है, इवेंट्स होता है, तो हम उसी दिन उस बड़े टॉपिक को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका मेंस का पेपर भी तैयार हो, मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयार हो और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकलते हैं वही निकल जाए, ठीक। और ये जो तीसरा वीडियो होगा जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स वाला होगा वो दोनों साथ में चलेगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाए या नेशनल इवेंट के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाए, तो इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तीसरा वीडियो में। तो करंट अफेयर के टोटल तीन वीडियोस यानी कि तीन सीरीज चलेंगे, छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर, नेशनल साप्ताहिक करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स या एक्टिविटीज जो डेली बेसिस पे भी हो सकता है, दो दिन में भी आ सकता है, तीन दिन में भी आ सकता है। अब यहां पर समझिए, जो आपको छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा प्रत्येक सोमवार को 7 बजे के आसपास मिलेगा, शाम को, प्रत्येक सोमवार 7 बजे के आसपास आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का वीडियो मिलेगा। नेशनल करेंट अफेयर वाला वीडियो आपको गुरुवार को मिलेगा, टाइमिंग सेम रहेगा 7 बजे के आसपास। और जो तीसरा हमारा वीडियो हो गया जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ या इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर रेगुलर बनते रहा करेगा, उसका समय कोई फिक्स नहीं रहेगा, वो कभी भी आ सकता है, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। तो इस तरह से हम लोगों का पूरा करेंट अफेयर का सीरीज चलेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग सपोर्ट करोगे, दोस्तों तक शेयर करोगे, आप लोग बने रहना। हम यहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं, पढ़ना आपको खुद ही होगा। मेंस प्रोग्राम भी आप लोगों का चल रहा है, उसके बारे में आगे थोड़ी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टॉपिक शुरू कर लेते हैं आज का। देखिए, आज जो छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर वाले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें जो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुख्यमंत्री का अमेरिका प्रवास। 10 दिनों के इस प्रवास के दौरान कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, एक्टिविटीज़ हुई या कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स निकल कर आए जो हमारे मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है।
तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट बनते हैं इस अमेरिका प्रवास के दौरान जो हमारे मेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कहां पर आपके कौन से मेंस के पेपर से कनेक्ट होता है। तो यहां पर चार पॉइंट मैंने निकाला है इस अमेरिका प्रवास का मुख्यमंत्री का, जिसमें सबसे पहला गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, दूसरा कुपोषण और गरीबी उन्मूलन, तीसरा औद्योगिक निवेश और चौथा ग्रामीण विकास। कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के अमेरिका प्रवास के यानी कि इस 10 दिन के प्रवास के दौरान इन चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया गया है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट यही ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। यह 10 दिवसीय प्रवास था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं हम लोग, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। लेकिन उससे पहले हम लोग आ जाते हैं कि ये टॉपिक आपका मेंस के पेपर से कहाँ रिलेट करता है। आपका प्रश्न पत्र 5 है, भाग 1 है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी के साथ में छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी की बात की गई है। तो वहाँ आपका ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग का सामाजिक पिछड़ापन, साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना, जो मैंने टॉपिक बोला इस टॉपिक से आप वहाँ पर रिलेट कर सकते हो, इसके की पॉइंट्स को आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं इन्वेस्टमेंट के, बहुत सारी संभावनाएं हैं विकास के, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेस बहुत मात्रा में अवेलेबल है। इस बात पे फोकस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया और इस साल अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से विजेता अभिजीत बनर्जी से भी इस पर चर्चा किया गया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से संसाधन अवेलेबल हैं, उन संसाधन का उपयोग करके किस प्रकार से यहाँ पर मानव सूचकांक में छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाया जा सकता है और किस प्रकार से कार्य योजना तैयार किया जा सकता है। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के लिए अभिजीत बनर्जी, जो कि इस साल के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल विजेता हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो संभावनाएं हैं उस पर कार्य योजना तैयार करने में वो छत्तीसगढ़ की मदद करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का। दूसरा बात यहाँ पर हम लोग करते हैं कुपोषण और गरीबी उन्मूलन का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो कुपोषण से ग्रसित है। अब कुपोषण की समस्या को ख़त्म करने के लिए और गरीबी की समस्या को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो अभिजीत बनर्जी हैं उनसे चर्चा की गई है और इनके द्वारा एक आंकड़ा भी रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कहा गया है कि राज्य का जो 30-40% जनसंख्या है वो अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र में रहता है और उस पिछड़े क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं या फिर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो लाभ प्रदान किया जाता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि अत्यंत पिछड़ा होने की वजह से, वनांचल क्षेत्र में रहने से उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। तो कुछ इस तरह से संसाधन क्रिएट किया जाए, कुछ इस तरह योजना बनाया जाए ताकि प्रदेश में कुपोषण और गरीबी की जो समस्या है उसको खत्म किया जा सके। इसके अलावा यहां पर एक डाटा और दिया जाता है, वो कहा जाता है कि प्रदेश में 50-60% गरीबी की समस्या है। प्रदेश में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 50-60% लोग गरीब हैं। तो गरीबी की समस्या को भी खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से रोड मैप बनाया जाए, इस पर भी अभिजीत बनर्जी से चर्चा किया गया है। तो इन जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, इसका इस्तेमाल आप मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हो कि सरकार की योजना किस प्रकार से है, सरकार क्या प्रयास कर रही है छत्तीसगढ़ में माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। ये हो गए दो पॉइंट। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है औद्योगिक निवेश। प्रदेश सरकार द्वारा कहा जाता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करना चाहे तो छत्तीसगढ़ में सारे संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो जाए, चाहे फिर यहाँ पर कोयले का रिसोर्सेज हो जाए, या फिर डैम से रिलेटेड जो पानी की व्यवस्था है, या फिर जो बाकी मिनरल्स हो गए, आयरन हो गया, सारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में, सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। इसीलिए औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर 250 से अधिक इन्वेस्टर्स के साथ में मीटिंग किया गया है, चाहे वो IT सेक्टर हो गया, चाहे वो स्टील सेक्टर हो गया, इसके अलावा बायोफ्यूल से रिलेटेड भी यहाँ पर संसाधन हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स पे जो हैं यहाँ पर बातें की गई हैं इन्वेस्टमेंट के लिए छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, 250 से ज़्यादा अमेरिकी इन्वेस्टर से बात किया गया है कि छत्तीसगढ़ में भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, यहाँ पर सारे संसाधन उपलब्ध हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके मुख्य परीक्षा में। लास्ट पॉइंट आ जाता है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास की जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ में अभी
एक योजना का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। उस योजना का नाम है सुराजी गांव योजना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब मुख्यमंत्री का वक्तव्य चल रहा था तो उस समय जिक्र हुआ सुराजी गांव योजना का। वहां के रिसर्चर जो हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं उन लोग से चर्चा किया गया सुराजी गांव योजना के बारे में, जिसके चार जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उस पर बातें की गई। इस पर उन लोगों को इनविटेशन दिया गया है कि आइए और छत्तीसगढ़ में इस पर रिसर्च कीजिए और सुराजी गांव योजना को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है, कैसे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जाता है, इस पर कुछ रिसर्च करने के लिए आवश्यकता है। तो इनविटेशन दिया गया है रिसर्च करने के लिए अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको। एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वक्तव्य देने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल के अमेरिका दौरे के इन कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। मुख्य परीक्षा में कहीं ना कहीं आपका अगर इसका इस्तेमाल करते हो, वैल्यू एडिशन करते हो, अंडरलाइन करते हो, तो आपका बेहतर स्कोर हो सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है क्या है, राष्ट्रीय कृषि मेला 2020। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल यहाँ से जब भी राष्ट्रीय कृषि मेला आयोजन किया जाता है तो बहुत बार होता है कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, चाहे आपका व्यापन द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है तो वहाँ के भी प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, CGPSC का भी प्रारंभिक परीक्षा में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2019 में जो राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया गया था वो बेमेतरा में किया गया था, और इस 2020 में जो इसका आयोजन है कहां किया जा रहा है इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। कौन से ग्राम में किया जा रहा है इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ग्राम का नाम है तुलसी बारा डोरा फल सब्जी उपज मंडी, रायपुर जिले में आता है। यहां इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक, तो 23 से 25 फरवरी 2020 तक इसका आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय यह आयोजन होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर ध्यान रखिएगा जो आपको ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस राष्ट्रीय कृषि मेला में बायोफ्यूल की बात की गई है, बायोफ्यूल की बात की गई है, यानी कि एक मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका मेंस में। आप यहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कौन से पेपर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न पत्र 5 पार्ट 3, वहां पर आपका छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी है जिसमें जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वहां पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो ऊर्जा संसाधन वाला पार्ट है वहां पर जो गैर परंपरागत स्रोत की बात की गई है वहां से आप बायोफ्यूल की बात कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस राष्ट्रीय कृषि मेला का आयोजन का उद्घाटन किया। अब भूपेश बघेल द्वारा यहाँ पर फिर से एक बार बायोफ्यूल को लेकर बात उठाई गई, क्योंकि बार बार छत्तीसगढ़ की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उसमें भी बायोफ्यूल का जिक्र किया गया है। छत्तीसगढ़ में बार बार कहीं भी कोई भी स्टेज अगर मुख्यमंत्री को मिलता है तो वहाँ पर बायोफ्यूल की बात करना वो नहीं भूलते हैं। इसीलिए जो जैव ईंधन है, जो बायोफ्यूल है, वो मस्ट है आपके आने वाले जो मेंस का एग्ज़ाम है वहाँ पर ऐसे राइटिंग में भी पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से यहाँ पर संभावना है इस पर भी प्रश्न बन सकता है। तो इसलिए बायोफ्यूल से रिलेटेड जो छत्तीसगढ़ में संभावनाएं हैं उसको आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। थोड़ी सी यहाँ पर बेसिक मैं बातें बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल का जो प्रोडक्शन है वो धान से किए जाने की बात कही जा रही है, यानी कि पैडी से। अब यहाँ पर समझो, छत्तीसगढ़ में इस साल टारगेट था 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का। अब यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा लगभग 24 से 28 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किया जाएगा, अधिकतम अगर किया जाता है तो 32 लाख मीट्रिक टन का। तो जो बाकी यहाँ पर धान के रिसोर्सेज बच जाते हैं उसका इस्तेमाल छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर बायोफ्यूल बनाने में कर सकती है। इसका इससे फ़ायदा ये होगा कि किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी और यहाँ पर जो वायु प्रदूषण होता है उससे भी निजात पाया जा सकता है। और बायोफ्यूल को जो हम लोग यहाँ पर परचेस करते हैं फॉरेन कंट्री से, तो यहाँ पर विदेशी मुद्रा का भी बचत हो सकता है। तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में गन्ने से भी बायोफ्यूल उत्पादन करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार बातें कहते हैं। तो बायोफ्यूल से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स याद रखिएगा। और बायोफ्यूल प्लांट स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने का प्रयास भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। दूसरा यहाँ पर जो बातें कही गई किसमें, राष्ट्रीय कृषि मेला 2020 में मुख्यमंत्री की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत
किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है 2,000 के किस्तों में। तो इस पर मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाता है कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लगभग 1,00,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है 18,00,000 किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो योजना में जो है 1,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत में यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। राष्ट्रीय कृषि मेला 2020 में जैविक खेती पे फोकस किया गया है। वहाँ पर सारे एग्रीकल्चर्स के कौन कौन से नए प्रोडक्ट हो सकते हैं इन पर फोकस किया गया है। इससे रिलेटेड अगर आगे कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स होता है तो मैं आप लोगों को वहाँ पर ऐड करवाते जाऊँगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी मैं बोलता हूँ कि ये टॉपिक कौन से मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र से मेल खाता है, तो वहाँ पर आप लोगों को ध्यान करके नोट करते चलना है ताकि आप वहाँ पर वैल्यू एडिशन मुख्य परीक्षा में कर सको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, इसके बाद जो हमारा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का टॉपिक है धान खरीदी 2019-20 से संबंधित है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज आए हैं धान खरीदी से संबंधित, तो उसको अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो 2018 और 19 वित्त वर्ष यानी कि पिछले साल खरीफ वर्ष में जो धान की खरीदी की गई थी वो किया गया था 80,38,000 मेट्रिक टन। ये है पिछले साल का डेटा। पिछले साल भी लक्ष्य था 85,00,000 मेट्रिक टन का, समर्थन मूल्य था 2,500 रुपये। अब इस वर्ष जो कुल धान खरीदी की गई है खरीफ वर्ष 2019-20 में, पहले तो समझ लीजिए कि डेट क्या था धान खरीदी का, पहले भी अपडेट करवा चुका हूँ, 1 दिसंबर से आपका चला और 15 फरवरी तक ये धान खरीदी का डेट था। लक्ष्य इस वर्ष भी था 85,00,000 मीट्रिक टन, और इस 85,00,000 मीट्रिक टन में से जो अब तक धान खरीदी की गई है वो 82,80,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा चुका है। अब जो पिछले साल 2,500 रुपये समर्थन मूल्य पर किया गया था, मैंने पहले भी बताया था कि केंद्र सरकार से टकराव के बाद यहाँ पर 2,500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी ना करके जो केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य है 1,815 और 1,835 रुपया, इतने पर ही धान की खरीदी की गई है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार बार बार कहती आ रही है कि हम धान की खरीदी जो है किसानों को 2,500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से ही करेंगे। तो ये 1,815 और 1,835 रुपये समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी करके किसानों को पैसा दिया जा चुका है, लेकिन जो यहाँ पर शेष 685 रुपये बच जाता है वो जो है राज्य सरकार एक योजना के तहत सरकार जो है किसानों को देगी। और इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि एक समिति का भी गठन किया गया था, और इस समिति की जिन्होंने अध्यक्षता किया रविंद्र चौबे, उनकी अध्यक्षता में जो कृषि मंत्री हैं, एक समिति का गठन किया गया था कि किस तरह से किसानों को 685 रुपये समर्थन मूल्य जो है और दिया जाए। तो इसके लिए एक योजना भी प्लान किया गया है, उस योजना का नाम हो सकता है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना के तहत पर क्विंटल किसानों को 685 रुपये दिया जा सकता है, इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, केलो सिंचाई परियोजना। ये न्यूज़ में इसीलिए है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस सिंचाई परियोजना के लिए 891 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केलो सिंचाई परियोजना के अगर हम लोग बैकग्राउंड की थोड़ा सा बात करें तो इस केलो सिंचाई परियोजना जो आपके केलो नदी पर बनाया जा रहा है, और ये परियोजना बनाया जा रहा है, ग्राम है दनोट, ग्राम का नाम याद रखिएगा दनोट, और ये आता है रायगढ़ जिले में। इस केलो परियोजना पर जो योजना तैयार किया गया था वर्ष 2010 में किया गया था, अनुमति प्रदान हुआ इस पर 2014 में, और इस केलो परियोजना से जो टोटल सिंचित क्षेत्र होने वाला है वो होने वाला है 22,810 हेक्टेयर। स्वीकृत राशि मैंने आपको अभी बताया 891 करोड़ रुपए हाल ही में स्वीकृत किया गया है। केलो परियोजना जो है छत्तीसगढ़ की एक बृहद परियोजना है। अच्छा, एक बात बताओ कि ये कैसे पता चलता है कि कौन सा बृहद परियोजना है, कौन सा मध्यम परियोजना है और कौन सा लघु परियोजना है, ये भी मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। जो क्षेत्र यानी कि जिस क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है वो बृहद परियोजना के अंतर्गत में आता है। इसके बाद 2,000 हेक्टेयर से लेकर अगर कोई क्षेत्र सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर तक होता है तो वो मध्यम सिंचित क्षेत्र में आता है, और 2,000 से कम जो है वो लघु सिंचित क्षेत्र में आता है। तो इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर अब थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लो कि केलो सिंचाई परियोजना जो है वो रायगढ़ के लिए कितना बेनिफिश
बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। रायगढ़ में अभी जो टोटल कृषि भूमि है वो है 3,45,000 हेक्टेयर, जिसमें से मात्र 45,000 हेक्टेयर ही जो है वो सिंचित क्षेत्र है। शेष बच जाता है यहाँ पर 2,50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि, जो कि पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। अगर ये केलो सिंचाई परियोजना जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो यहाँ पर 22,810 हेक्टेयर के कृषि भूमि को सिंचित किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, केलो सिंचाई परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इसके पॉइंट्स आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के लिए भी इसके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कौन से प्रश्न पत्र से इसको डील करोगे? प्रश्न पत्र 5 भाग 3 कृषि, और जो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है डायरेक्ट लिखा हुआ है वहां पर, जो टॉपिक है वहां से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो सुपोषण अभियान से रिलेटेड है। छोटा सा अपडेट है यहां पर, कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगर छत्तीसगढ़ में हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड या फिर जो पेपर नंबर 7 में आपका स्कीम वाला जो पार्ट है वहां अगर सुपोषण अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ आप यहां पर नए अपडेट्स डाल सको। आप लोगों को पता है कि सुपोषण अभियान पूरे प्रदेश में कब से शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2019 से किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो एनीमिया और कुपोषण की समस्या है उसको खत्म करने के लिए सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। आंगनवाड़ी केंद्र से, स्कूलों से जो है बच्चों को या फिर जो महिलाएं हैं जो एनीमिया से ग्रसित है उनको पौष्टिक भोजन देकर, गर्म भोजन देकर सुपोषण अभियान की शुरुआत किया गया था। अब यहाँ पर एक डेटा आया है, इस डेटा में कहा गया है कि इस सुपोषण अभियान को चलाने के बाद प्रदेश से लगभग 60,000 बच्चों को जो है सुपोषित किया जा चुका है, यानी कि उनको कुपोषण से बाहर निकाला जा चुका है। तो ये 60,000 का जो डेटा है ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ 4 महीनों में 60,000 बच्चों को सुपोषित किया जा चुका है, इस डेटा को बस ध्यान रखिएगा। कहीं भी अगर आपको लगता है पेपर नंबर 7 में स्कीम्स में अगर इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हो, या छत्तीसगढ़ में हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड या एनीमिया से रिलेटेड या कुपोषण से रिलेटेड कहीं क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का हमारा टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में जैविक खेती से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर पूर्णतः जैविक खेती शुरू हो चुका है। यानी कि जैविक खेती कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी तरह का फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ किया जाता, किसी भी तरह से केमिकल नहीं यूज़ किया जाता, पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। यानी कि जो घर के खाद होते हैं, गोबर होते हैं, इन्हीं सब से पूरी तरह से खेती किया जाता है, सरल शब्दों में अगर कहें तो। दंतेवाड़ा में जो है पिछले 3 वर्षों से किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरक का सप्लाई सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। इसके बाद यह प्रमाणित हो चुका है कि दंतेवाड़ा में पूर्णतः जैविक की खेती किया जाता है। यहाँ दंतेवाड़ा के लगभग 40 ब्लॉकों में जो है वो जैविक खेती किया जा रहा है। PSG इंडिया के माध्यम से जैविक फसलों का प्रमाणीकरण के लिए 53 क्षेत्रीय परिषद जो हैं छत्तीसगढ़ में पंजीकृत हैं, और इन 53 क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से 31,970 किसानों ने लगभग 13,980 हेक्टेयर जो भूमि है उसका प्रमाणीकरण करवाया है, पंजीकृत करवाया है कि इतने हेक्टेयर भूमि पर जो है वो क्या किया जा रहा है, जैविक खेती किया जा रहा है। ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरे स्टेट का, यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का है। ठीक है, 53 यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद हैं जैविक खेती से संबंधित पंजीकृत करवाने के लिए, जिसमें से 31,970 किसानों ने पंजीकृत करवाया है। कितने हेक्टेयर के लिए? 13,980 हेक्टेयर पर यहाँ पर जैविक खेती किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये कुछ डेटा जो है इसका आप लोग में ध्यान रखिएगा। कहीं भी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में, या कहीं अगर इसका लगे कि डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है तो आप लोग यहां पर बिल्कुल कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा आज के डिस्कशन में लास्ट का टॉपिक है वो है राजिम माघी पुन्नी मेला। कहां इस्तेमाल करोगे आपका इसको मुख्य परीक्षा में? प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है, मुख्य परीक्षा में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पेपर नंबर 6 पार्ट 3
सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के मेले से संबंधित जो है वो टॉपिक वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। राजी मागी पुन्नी मेला के बारे में आप लोग डिटेल में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात बता दे रहा हूँ। जैसे राजी में आप लोगों को पता है कि महानदी सोंडूर और पैरी नदी के संगम पर स्थित है, इसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहा जाता है। और इस वर्ष इस मेले का आयोजन जो है कब से कब तक किया गया, ध्यान रखिएगा, 9 फरवरी से 21 फरवरी तक 13 दिनों तक ये कार्यक्रम चला। महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होता है। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये था पूरा हमारा आज का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। जाने से पहले कुछ बातें फिर से सुन लीजिए। जो CGPSC मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहे हैं और जो अभ्यास प्रश्न आपको डिस्कशन कम्युनिटी में दिया जा रहा है, उस अभ्यास प्रश्न को आप लोग बिल्कुल करिएगा। वो बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो इस साल मुख्य परीक्षा लिखने वाले हैं, और वो बच्चे जो CGPSC की तैयारी करने का सोच रहे हैं, वो लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा वहाँ पर जाकर। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। पूरा मेहनत की जिम्मेदारी आपकी होती है। आप कितना उसके प्रति डेडिकेशन दिखाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाया जा रहा है, जो भी शेड्यूल अवेलेबल करवाया गया है कि डिस्कशन कम्युनिटी पर किस दिन टॉपिक क्रिएट हो रहा है, कौन से पेपर का क्रिएट हो रहा है, उसको तैयार कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर जो भी हमारी तरफ से जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया जा रहा है, जो रास्ते आपको बताए जा रहे हैं, उस पर अगर आप चलते हो तो घर बैठे आप PSC की तैयारी कर सकते हो, कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल है, आप लोग अभ्यास घर पे आराम से कर सकते हो। जो भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसको आराम से फॉलो कीजिए। एक बात और, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, नोटिफिकेशन हो, या फिर CGPSC मेंस प्रोग्राम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, वो सारे टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है। तो सारी एक्टिविटीज़ इवेंट्स वहीं से पता चलता है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, या टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कम्युनिटी सर्च करोगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। तो टेलीग्राम से जुड़ लीजिएगा, CGPSC मेंस प्रोग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। जो CGPSC जिनका लग रहा है कि इस साल प्रीलिम्स मेरा अच्छा नहीं गया, वो भी मुख्य परीक्षा के तैयारी हमारे डिस्कशन कम्युनिटी और यूट्यूब के साथ में जुड़कर जरूर कीजिए। जो लोग शुरू करने वाले हैं वो भी कीजिए, और जो लोग मुख्य परीक्षा लिखने वाले हैं उनके लिए तो मस्ट है। तो CGPSC मेंस प्रोग्राम से जुड़ना ना भूलें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो आज के टॉपिक डिस्कस किए उसका MCQs भी डिस्कस करेंगे, और जो मुख्य परीक्षा में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है उस सबको हम लोग साथ में करते चलेंगे, ताकि आप मुख्य परीक्षा में भी वैल्यू एडिशन का काम करते रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।